सवाल है, जैसे हम रोज पूजा करते हैं तो क्या इस मतलब इस समय पितृपक्ष में या श्राद्ध के समय में हमें रेगुलर पूजा करनी चाहिए या फिर हमें पितरों की पूजा पर ही फोकस करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है जो नित्य नैमित्तिक पूजा करते हैं उस पूजा को भी आपको करना है, पितरों के लिए श्राद्ध भी करना है, लेकिन पहले सुबह उठ करके आपको जो है देवी देवताओं की पूजा करना है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अगर आप ही पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं और पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं और आप ही को घर की भी पूजा करनी है, प्राय ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग जो है श्राद्ध करते हैं, ठीक है, और महिलाएं पूजा पाठ में तन्मय होती हैं, तो महिलाओं को पूजा पाठ से कोई रुकावट नहीं है। वो जैसे डेली 365 दिन पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे उनको करना चाहिए जी। और पुरुष जो मतलब कि बहुत कम पूजा पाठ में बैठते हैं या पूजा पाठ न के बराबर करते हैं और पितृपक्ष में समाज के लोकलाज के डर के मारे श्राद्ध करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अंतः प्रेरणा से अपने पितरों के कल्याण के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग तो समाज के भय के मारे करते हैं कि अगर नहीं करूंगा तो समाज के लोग कहेंगे कि देखो ये अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लोक निंदा के डर के मारे भी कुछ लोग करते हैं। तो उन लोगों को अपना तर्पण तो करना ही चाहिए, लेकिन जो महिलाएं या जो मतलब कि घर के दूसरे सदस्य पूजा पाठ करते हैं उन्हें अपने नित्य निरंतर पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देना चाहिए। और जिसको श्राद्ध या तर्पण करना है उसको नहीं करनी चाहिए? श्राद्ध या तर्पण अगर आप कर रहे हैं तो आपको पितरों पर ही फोकस होना चाहिए जी। आपको इन 15 दिनों तक आपको न तो दाढ़ी बनवानी चाहिए, न तो मूछ बनानी चाहिए, न तो नाखून काटने चाहिए, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, और हो सके तो काठ की चौकी पर शयन करना चाहिए। यथासंभव 15 दिनों तक कोशिश करें कि एक बार भी झूठ न बोलें। बड़ा मुश्किल है पंडित जी। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे आप सोकर उठती हो तो आपको पता होता है कि आप विपनेस हो ना, आपको ये भी पता होता है कि आप स्त्री हो, आपको ये भी पता होता है कि मेरे माता पिता कौन हैं। तो उसी तरह से इस मन को अगर आप किसी अभ्यास में जोड़ दीजिए तो इसका वो सारा अभ्यास सतोगुणी बन जाएगा। अगर आप बस इसको अभ्यास से जोड़िए, जिस अभ्यास में आप जोड़ दें, भोग की तरफ जोड़ दें तो भोग की तरफ, मोक्ष की तरफ जोड़ दें तो मोक्ष की तरफ। ये ठीक तुम कह रही हो कि भगवान की माया जो है वो बड़ी सर्वशक्तिशाली है, लेकिन मैंने एक बात कहा ना कि इंद्रजाल का डर जमूरे को नहीं होता है, दर्शकों को होता है। तो भगवान का जो भक्त होगा वो जमूरा ही है, उसे भगवान की माया कभी परेशान नहीं करती है। भगवान की माया उन लोगों को परेशान करती है जो ईश्वर से विमुख हैं, और जो ईश्वर के विमुख नहीं हैं उन्हें माया कभी नहीं सताती है। जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया जी। तो पार्वती ने पूछा कि जब लंका जल गई तो हनुमान जी क्यों नहीं जले, हनुमान जी भी तो उसी में मतलब कि जो है थे। जाकर दूत अनल तहीं सिर जा, जरा न सोत तहीं कारण गिर जा। वो जिसके दूत हैं अग्नि को उन्होंने ही निर्माण किया है, अग्नि का निर्माण उन्हीं प्रभु ने किया है जिनके वो भक्त हैं, तो जरा न सोत ही कारण गिर जा, तो उन्हीं की बनाई हुई अग्नि से उनका दूत कैसे जलेगा। तो भगवान की माया से भगवान का भक्त कैसे परेशान होगा। और भगवान की भक्ति के लिए सिर्फ और बड़ा सरल उपाय है भगवान की भक्ति का, आप शरणागत हो जाइए। हे भगवान, मैं कामी कुटिल पापी दुराचारी बड़ा अधम हूं, लेकिन आप तो दीनानाथ बड़े बड़े का उद्धार करने वाले हैं और आप पतित पावन हैं, आप तो सबका कल्याण करते हैं। मैं जैसा भी हूं लेकिन आपका हूं, आपके चरणों में आपकी शरणागति में हूं, मुझे ऐसे ही स्वीकार करिए। मेरा मन खराब है तब भी मुझे स्वीकार करिए, मेरे अंदर अहंकार है तब भी मुझे स्वीकार करिए, मैं दुर्गुणों की खान हूं तब भी मुझे स्वीकार करिए। आप शरणागति दे दीजिए और हर एक घंटे पर
प्रभु से कहते रहिए कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब आप संभाल लीजिए, आप जैसे हो मुझे संभालिए, आप कहते रहिए, देखिए आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं। जो भगवान को अपनी शरणागति दे देता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात। उसको अनन्यांश चिंतयन्तो मा ये जना परिवास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो उनके भरोसे पर हो जाता है तो उसके योगक्षेम की चिंता उनकी हो जाती है, उस व्यक्ति की नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं अनन्य भाव से उनकी चिंता भी करता हूँ। आप सोचते हैं नहीं यार, ये नहीं करूँगा तो ये कैसे होगा, ये नहीं करूँगा तो ये कैसे होगा। अब इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि वही सब कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। जय माँ विंध्यवासिनी।